हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लक्ष्मी किचन। आज मैं आपको पनीर बनाना बताऊंगी। बिल्कुल डेयरी जैसा सॉफ्ट पनीर बनेगा, जिसे आप शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर पराठा और भी डिश बना सकते हैं। इसमें आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए पनीर को बनाना शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फुल क्रीम 1 लीटर दूध लिया है, तो मैंने यहाँ पर बफेलो मिल्क लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अब दूध को गर्म करेंगे तो इसको गैस स्टोव के ऊपर रख देंगे और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। दूध में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, तो जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूध को फाड़े के तो यहाँ पर मैंने एक नींबू ले लिया है और उसको कट कर लिया है। हाफ लेमन को लेमन स्क्वीजर में डालकर निचोड़ लेंगे। आप इसकी जगह विनेगर भी ले सकते हैं, उससे भी दूध अच्छे से फट जाता है। तो मैं यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। नींबू तो हर घर में अवेलेबल होते ही हैं। तो बाउल में मैंने सारा लेमन का जूस निकाल लिया है, तो इसको डायरेक्ट हमें दूध में नहीं डालना है, इस पर हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अगर आप बिना पानी के इसको ऐड करेंगे तो दूध ना फट तो जाएगा लेकिन बहुत ही पनीर हार्ड हो जाएगा, तो पानी आप ज़रूर ऐड करें। अब चम्मच की मदद से दूध को मिला लेंगे, जिससे कि दूध नीचे चिपके ना, क्योंकि मेरा बर्तन थोड़ा सा हल्का है तो चिपकने के थोड़े से चांसेस हैं। तो मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला देती हूँ, तो देखिए दूध में भी अच्छा बॉयल आ गया है। आप गैस को कर देंगे बंद। अब गैस से हम दूध को नीचे रख लेंगे, जिससे कि दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम लेमन जूस, और आधा ऐड करेंगे, आधा हम बाद में ऐड करेंगे। और इसको चम्मच से धीरे धीरे ऐसे मिलाते जाएंगे, जिससे कि दूध में नींबू का रस अच्छे से मिल जाए और जल्दी से ये फट जाए। तो देखिए इसने अपना फटने का काम शुरू कर दिया है। अब बाकी का बचा हुआ भी हम जूस इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर से हम हल्के हाथों से चलाएंगे। कभी कभी दूध जल्दी फट जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर आप डेयरी का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं पनीर बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ बफेलो मिल्क लिया है, इसलिए ये जल्दी फटना शुरू हो गया है। अगर दूध नहीं फट रहा है तो आप इसको गैस स्टोव के ऊपर ना रखें, नहीं तो पनीर आपका बहुत हार्ड बनेगा। अगर फट नहीं रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और ऐड कर सकते हैं, तो ये दूध अच्छे से फटना शुरू हो जाएगा। एक नींबू के रस में दूध अच्छे से फट गया है, दूध अलग हो गया है, पनीर अलग हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब पनीर को छानने की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें एक ऊपर से लगा लेंगे कॉटन का कपड़ा, या फिर आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है, तो सावधानी से उठाएंगे क्योंकि अभी गर्म है। और इसको सारे पनीर को छान लेंगे इस कपड़े में। फटे दूध के पानी को आप फेंके ना, इसको इस्तेमाल कर लें। आप इसको कढ़ी बनाने में या फिर सब्जी बनाने में या फिर आटे गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, इस पानी से आपके पौधे बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। आप कपड़े के चारों कोनों को पकड़ कर इस तरीके से एक प्लेट में रख लेंगे और इस पानी को हटा देंगे, इसको बाद में किसी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब पनीर को एक बार अच्छे से धोएंगे, उसके लिए हम ले लेंगे नॉर्मल पानी, आप ठंडा इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल पानी लें। तो इसको अच्छे से धो लेंगे। पानी से धोने से इसका जितना भी नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो एक चुटकी नमक इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पनीर को हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ये गर्म होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि मैं इसको छू पा रही हूँ, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। अब एक टिप और, हमें इसका सारा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रखना है, जिससे कि हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट बने। तो हमें इसको पकड़ के और इसका पहले तो हमें थोड़ा सा पानी निकाल देना है, इस तरीके से दबाते हुए। सारा पनीर का पानी निकालने से क्या होता है कि पनीर हमारा एकदम से ड्राई हो जाता है और बाद में एकदम हार्ड हो जाता है। तो जितना पानी हमें निकालना था उतना मैंने निकाल दिया है। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इस पानी को हटा देंगे। अब पनीर को सेट करेंगे तो उसके लिए रुमाल को थोड़ा सा ढीला खोल देंगे और उसके बाद इसको रख देंगे चॉपिंग बोर्ड पे, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं। हाथों से पहले इसको फ्लैट कर लेंगे दबाकर। पनीर को दबाने के लिए कोई भारी बर्तन ले लें, अगर आपके पास पत्थर का चकला है तो आप चकला रख सकते हैं इसके ऊपर से। तो मैं कुछ जुगाड़ बिठाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर पहले चॉपिंग बोर्ड सेट किया है। मैंने यहाँ पर 2 किलो का चावल का डिब्बा रख दिया है, इससे हमारा पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा। 20 से 25 मिनट पनीर को ऐसे ही दबा छोड़ देंगे और 25 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो गया होगा। एक बार हम देख लेते हैं। 1 लीटर दूध में 100 से 150 ग्राम पनीर आराम से निकल आता है। डिपेंड करता है आपका दूध फुल क्रीम है या फिर विदाउट क्रीम है।
तो देखिए पनीर मैंने निकाल लिया है और पनीर एकदम से अच्छे से सेट हुआ है, बिल्कुल डेरी जैसा सॉफ्ट वाइट पनीर बिल्कुल हमने घर पर बनाया है। इस होममेड पनीर से आप कोई भी रेसिपीज बना सकते हैं। तो अब इसको हम कट करेंगे, आपको कट करके दिखा देते हैं। तो देखिए कट करने में ये एकदम सॉफ्ट है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल आराम से इसके पीस कट हो रहे हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको बनाने में केवल हमने दो ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है, नींबू और दूध का, और एकदम से अच्छा सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हुआ है। बाहर की मिलावटी और केमिकल पनीर से बचिए और घर में ही बनाए बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। तो देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, बिल्कुल डेरी जैसा सॉफ्ट पनीर बनके तैयार है। आप इसको कोई भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बच्चों के लिए फ्राई करके भी ऐसे ही दे सकते हैं। पनीर बनाने की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें।